नमस्कार, आज की खबर चैनल आप सबका स्वागत करता है। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आज की खबर चैनल में हम आपके लिए आज कौन कौन सी खबर लेकर आए हैं हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज की खबर चैनल में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बीजेपी पार्टी के असंतुष्ट नेता एक साथ हो गए हैं। हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी पार्टी के कौन कौन से असंतुष्ट नेता है जो एक साथ हो गए, क्या बीजेपी को इससे फर्क पड़ने वाला है, हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी। हमारी दूसरी खबर है, 2017 में 7000 अमीर लोगों ने भारत को छोड़ दिया है। हम आपको बताएंगे दोस्तों, इन अमीर लोगों ने भारत को क्यों छोड़ा और ये अमीर लोग अब कहां पर रहने चले गए हैं, हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी। हमारी अगली खबर है, DU की स्टूडेंट ने प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। हाँ दोस्तों, एक टीचर के ऊपर आरोप लगा है यौन उत्पीड़न का, हम आपको बताएंगे आखिरकार टीचर ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों, हमारी अगली खबर है, फेसबुक पर 20 करोड़ फर्जी अकाउंट मिले हैं। हाँ दोस्तों, और यह रिपोर्ट जारी की है खुद फेसबुक ने, हम आपको बताएंगे फेसबुक ने जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर यह बात कही है। आखिरकार ये फेसबुक के जो फर्जी अकाउंट है वो कौन कौन से देश के हैं, हम आपको बताएंगे भारत के अंदर भी क्या फेसबुक के फर्जी अकाउंट है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी। हम आपको बताएंगे दोस्तों, हमारी अगली खबर है दोस्तों BSNL के बारे में। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड जो नेट प्रदाता कंपनी है, हम आपको बताएंगे दोस्तों ये जो भारत सरकार की सरकारी कंपनी है, हम आपको बताएंगे BSNL ₹1 में अनलिमिटेड जो नेट है डाटा है वो जारी करने जा रहा है। हम आपको बताएंगे आप रोज का ₹1 खर्च करके रोज का अनलिमिटेड डाटा यूज कर सकते हो। हम आपको बताएंगे दोस्तों BSNL यह जो ऑफर ये कब से शुरू करने जा रहा है, हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी। तो दोस्तों, आप हमारा जो चैनल आज की खबर उसके साथ अपडेट बने रही है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा विस्तार वाला खबरों का सिलसिला। पहली खबर को हम आपको विस्तार से बताते हैं, बीजेपी पार्टी के असंतुष्ट नेता एक साथ की खबर। हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं हमारी पूरी खबर। हम आपको बताएं दोस्तों, सीनियर बीजेपी लीडर है यशवंत सिन्हा जी और बीजेपी नेता और बॉलीवुड एक्टर है शत्रुघ्न सिन्हा जी दोनों एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो नरसिंहपुरा जिला है वहाँ पर किसानों की मांगों को लेकर बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साथ देने के लिए बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा जी भी आ गए। हम आपको बताएं दोस्तों, दोनों ही लीडर काफी समय से बीजेपी की जो नीतियां हैं उसका विरोध कर रहे हैं। हम आपको यह बताएं दोस्तों, यशवंत सिन्हा जी ने बीजेपी के ऊपर कई बार नोटबंदी को लेकर तंज कसा है। तो दोस्तों, आगे देखना है कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं किसानों की मांगों को लेकर क्या मोड़ लेता है। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों हमारी अगली खबर है 2017 में 7000 अमीर लोगों ने भारत को छोड़ दिया। हम आपको बताएं दोस्तों, भारत छोड़ने का प्रमुख कारण है यहाँ का रहन सहन खान पान, इनको पसंद नहीं आ रहा था इन 7000 अमीर लोगों को, इसलिए भारत छोड़कर कनाडा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका रहने चले गए। हम आपको ये बताएं दोस्तों, इनके भारत छोड़ने से भारत को क्या नुकसान हुआ। हम आपको ये बताएं दोस्तों, जो ये 7000 लोग कर देते थे वो टैक्स अब हमको नहीं मिलेगा, टैक्स मिलेगा जहां पर ये रहने गए हैं वहां पर। तो दोस्तों, यह नुकसान हमको हुआ है, लेकिन जो हमारे विशेषज्ञ है एक्सपर्ट है उनका कहना यह है कि जितने लोग भारत को छोड़ के जाते हैं अमीर लोग, उतने ही अमीर भारत में हर साल पैदा हो जाते हैं दोस्तों, तो इससे भारत को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपको यह बताएं दोस्तों, 2016 के अंदर 6000 अमीर लोगों ने भारत छोड़ा था, 2015 के अंदर 4000 अमीर लोगों ने भारत को अलविदा कहा था। हम आपको यह बताएं दोस्तों, हमारा देश ही नहीं है जहां पर अमीर लोग छोड़कर जाते हैं, चाइना के जो लोग हैं वो भी अपने देश को छोड़कर जाते हैं दोस्तों। हम आपको ये बताएं, ब्रिटेन है वहां के लोग भी उनको छोड़कर जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि चाइना के अंदर 2017 में 10000 अमीर लोगों ने चाइना को छोड़ा था। और हम आपको ये बताएं दोस्तों, तुर्की से भी 6000 लोगों ने तुर्की देश को छोड़ा था और अन्य देश में रहने के लिए चले गए थे। और हम आपको ये भी बताएं दोस्तों, फ्रांस के जो 4000 अमीर लोग हैं उन्होंने भी फ्रांस को छोड़कर अन्य देश में रहने चले गए थे। और हम आपको ये भी बताएं दोस्तों, रूस से भी कई अमीर लोग छोड़कर गए थे जिनकी संख्या 3000 के आसपास बताई जा रही है दोस्तों। तो ये देश हमारा ही नहीं है जहाँ पर अमीर लोग भारत देश को छोड़कर गए हैं, ऐसे कई देश है जहाँ के जो अमीर है वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं रहने के लिए।
हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों हमारी अगली खबर है DU की स्टूडेंट ने प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। की खबर हम आपको बताएं दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलतराम कॉलेज में पढ़ने वाली 17 साल की लड़की ने प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हम आपको ये बताएं दोस्तों, पीड़िता कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा है। हम आपको बताएं दोस्तों, प्रोफेसर जब उसे अकेला देखता है तो उसके साथ छेड़खानी करता है, उसको कॉल करके उसको परेशान करता है, और जब लड़की ने इस बात का विरोध किया तो प्रोफेसर ने क्या किया दोस्तों, उसको परीक्षा में फेल कर दिया। तो दोस्तों यह घटना सामने आई है और सामने आने के बाद इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है, आगे देखते हैं क्या नतीजा होता है। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों हमारी अगली खबर है फेसबुक के बारे में। हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं फेसबुक ने अभी अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करी है, और इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ने कहा है कि फेसबुक के ऊपर 20 करोड़ से ज्यादा फर्जी अकाउंट है या एक ही यूजर ने दो दो बार अकाउंट बना रखे हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, जो विकासशील देश है भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये देश फर्जी अकाउंट या एक ही बार में दो दो बार अकाउंट बनाने में माहिर है। हम आपको बताएं दोस्तों, 31 दिसंबर 2017 तक फेसबुक पर जो एक्टिव यूजरों की संख्या थी वो थी दोस्तों 2.13 अरब, और 31 दिसंबर 2016 में जो एक्टिव यूजरों की संख्या थी वो थी दोस्तों 1.86 अरब। तो दोस्तों इस प्रकार यदि फेसबुक पर लोग फर्जी अकाउंट बनाकर काम करेंगे तो दोस्तों फेसबुक के ऊपर फर्जी अकाउंटों की संख्या बढ़ जाएगी। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों हमारी अगली खबर है भारत संचार निगम लिमिटेड देगा आपको 1 रुपए में अनलिमिटेड डाटा। हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी। हम आपको ये बताएं दोस्तों, 17 से 23 फरवरी के बीच में जो BSNL है वो आपको 1 रुपए में अनलिमिटेड डाटा दे सकता है। दोस्तों हम आपको बताएं, ये नई सुविधा BSNL जल्द ही शुरू करने वाला है। हम आपको बताएं दोस्तों, 17 से 23 फरवरी के रोज में जो कनाडा के प्रधानमंत्री है वो हमारे देश की यात्रा करेंगे, और उसी यात्रा के दौरान जो ये करार है वो जारी हो जाएगा, इसके ऊपर साइन हो जाएंगे। दोस्तों हम आपको बताते हैं पूरी खबर, जो कनाडा की कंपनी है डाटा विंड, वो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है। हम आपको बताएं दोस्तों, डाटा विंड सस्ते जो नेट पैकेज हैं वो उपलब्ध करवाती है, और उसी के साथ BSNL सहयोग कर रहा है, मतलब समझौता कर रहा है, और दोनों के जो समझौते से क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, हमको ये फर्क पड़ेगा हमको रोजाना 1 रुपए में अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। तो दोस्तों यह है हमारी पूरी जानकारी। आप हमारा जो चैनल आज की खबर उसको सब्सक्राइब करें, और हमारी इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें। नमस्कार।